हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करते हैं कि आप अच्छे से होंगे, कुशल मंगल अपने परिवार के साथ। और बेटा, इसी के साथ हमारी यूनिट थी फर्स्ट कैपिस्टेंस, वो हम कंप्लीट कर चुके थे और आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड। लेक्चर फर्स्ट आज कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये आपके नीट और जेई पर्पज के लिए भी रहेगी, तो आप इसको भी अच्छे से समझें, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, हम नाम देख रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड रेजिस्टेंस। हमारी जो यूनिट है उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड रेजिस्टेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब ये हम सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो हम करंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि करंट होता क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हम करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आई से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि किस रेट से इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम ऑफ ए कंडक्टर, अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, हम लिख सकते हैं अक्रॉस द कंडक्टर। ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, मान लो फॉर एग्जांपल कॉपर वायर, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। देखो, हमने यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, यहाँ पे पोटेंशियल भी लगा दिया। अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, ठीक है। तो क्या करें, किस रेट से चार्ज फ्लो करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करेंगे पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे, ठीक है। किस साइड जा रही है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो किस रेट से फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, चार्ज किस रेट से फ्लो करेगा, वही हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट है आई, इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला क्या है, टोटल चार्ज फ्लो कितना फ्लो कर रहा है, चार्ज क्यू मान लेता हूँ इसको, और डिवाइड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम दिया फ्लो करने में, टाइम टेकन, और टाइम टेकन को मैं क्या मान रहा हूँ, यहाँ पे टी मान रहा हूँ, टोटल चार्ज फ्लो डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। और हम इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। अब इसके अगर हम बात करें इसकी एस आई यूनिट की, हम यही डिस्कस कर लेंगे, एस आई यूनिट क्या होगी, करंट, एस आई यूनिट ऑफ करंट। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, नियर फ्यूचर में भी काम आएंगे, और बेटा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आप पहले अगर आप थ्योरी कर पाओगे तभी आप न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा एम्पियर को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ए से, और ये हमारी यूनिट भी होगी, ये हमारे पास यूनिट होगी, और मोस्ट कॉमन यूज करते हैं एम्पियर को, ठीक है। तो ये हमारे पास है एम्पियर। अब अगर डिस्कस करें हम कि एम्पियर की डेफिनेशन दें, ठीक है, डिफाइन वन एम्पियर, तो हमारे पास अगर इस प्रकार से कह दें डिफाइन वन एम्पियर क्या होगी, ठीक है। तो वन एम्पियर को हम डेफिनेशन किस प्रकार से करेंगे, डायग्राम बना ली, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं डिफाइन वन एम्पियर, वन एम्पियर की डेफिनेशन में दे रहा हूँ अभी, डिफाइन वन एम्पियर, क्योंकि एस आई यूनिट है एम्पियर,
तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो इसको, ठीक है। इसमें हम देखेंगे 1 एम्पियर इज इक्वल टू चार्ज की यूनिट होती है कूलम, हमें पता है चार्ज यूनिट होती है कूलम, और हमारे पास टाइम हो उसकी यूनिट होती है सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है। हम लेंगे 1 एम्पियर डिफाइन कर रहे हैं, तो हम इसमें लिखेंगे 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड तक, तो वो हमारे पास होगी 1 एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर में भी डिफाइंड है व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर एट 2 एंड्स ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, इसे हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये हम अभी डेफिनेशन लिख रहे हैं इसकी एम्पियर की, तो आप लोग डेफिनेशन देखिए, ये आएगा आप लोग पास, करंट थ्रो ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर, करंट थ्रो ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट इज सेड टू करंट थ्रो ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर हम कब कहेंगे, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग, इफ 1 कूलम, 1 कूलम, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग, 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग per second through any cross section of the conductor, simply अगर हम बात करें, हमने इसी को चेंज किया है और कुछ नहीं किया, हमने इसी को चेंजमेंट किया है, ठीक है। इसी को चेंजमेंट किया है, इसका क्या होता है, हमारे पास करंट थ्रो ए कंडक्टर सेट टू बी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट का कहेंगे जब 1 कूलम चार्ज क्या कर रहा है, 1 कूलम चार्ज, यहाँ पे चार्ज जाएगा CHARGE, चार्ज इधर 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रो एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, पर सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर के अंदर, 2 एंड्स ऑफ द कंडक्टर के अंदर, तो वो हमारे पास क्या होगा, 1 एम्पियर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो नाउ अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन होती है वो किस प्रकार से होगी, कैसे होगी, तो आप देखिए, मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर फॉर एग्जाम्पल कॉपर, ठीक है, कंडक्टर है, और हमने क्या कर दिया यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, मान लो हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है, वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, तो आप देखेंगे पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड, 1 एंड पॉजिटिव हो जाएगा, अनदर एंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, हमने ए बी मान लिया इसको। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन है वो किस साइड में मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, जब वो डायरेक्शन होगी उनकी नेगेटिव से पॉजिटिव तक, इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, इस करंट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलेंगे, इसको जब इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहे हैं उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, ठीक है। उसके बाद करंट की जो एक होता है कन्वेंशनल डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट होगा पर एक इलेक्ट्रॉनिक करंट, अब ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, और आपके पास एक करंट की डायरेक्शन इस साइड में होगी यहाँ पे आई, तो आई है यह डायरेक्शन होगी अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉनिक करंट के, पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, और इसे हम बोलेंगे कन्वेंशनल करंट, इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, ठीक है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट अगर मूव कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे राइट से लेफ्ट, तो हमारे पास जो डायरेक्शन होगी लेफ्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई, ये देखेंगे हमने पॉजिटिव एंड फोर्स ले रखे, नेगेटिव फोर्स ले रखे, इस मेरे अकॉर्डिंग ये होगी, ठीक है, ए से बी से ए तो आपके पास आ रही है कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक करंट, और हमारे पास ए से बी जा रही है कंडक्शन करंट, और हम मेनली
अपोजिट डायरेक्शन जो इलेक्ट्रॉन है उसी को मेन क्या लेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट लेंगे, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, सो डायरेक्शन ऑफ करंट, सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर टू नेगेटिव एंड, नेगेटिव एंड ऑफ द कंडक्टर एज ऑन फिगर, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है, डायग्राम में आपको दिखाया गया है, क्लियर। अब आती है इलेक्ट्रिक करंट की स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन के बाद इलेक्ट्रिक करंट का क्वांटिटी है, ठीक है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि आपने बताया स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, और उसके बाद हमारे पास बात करेंगे अगर हम स्केलर क्वांटिटी की, सो स्केलर क्वांटिटी में ओनली क्या होता है यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा, देयर विल बी नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अब बात आती है आप लोगों ने अभी जस्ट बताया कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन तो होती है पॉजिटिव एंड टू एंड नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड, अभी आप लोगों ने क्या बताया कि डायरेक्शन होती है सर, ठीक है, जबकि आप लोग कह रहे हैं कि करंट इज स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे एक क्या होता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि क्या माना जाए, स्केलर क्वांटिटी माना जाए या वेक्टर क्वांटिटी, पर इसने लिख दिया ऑलरेडी कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो मैं आप लोग बताता हूँ करंट को स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्योंकि इट्स ओबे लव हमारे पास सर्कुलर रेडिएशन, इट्स ओबे यानी कि हमारे पास जो करंट है इट्स ओबे लॉज ऑफ स्केलर एडिशन एंड नॉट ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन सो इट ट्रीट्स एज, सो इलेक्ट्रिक करंट ट्रीट एज, सो इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट एज स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि लॉ स्केलर एडिशन को ओबे करता है, स्केलर एडिशन को कैसे ओबे करेगा, देखिए फॉर एग्जांपल मैं आप लोग एक बार बताऊँ, यहाँ पे मान लो ए बी करंट जा रहा है, पास ए से बी एक करंट जा रहा है, यहाँ से डायरेक्शन है करंट की ए से बी, और इसके अंदर आई नॉट करंट जा रहा है, इसके अंदर आई नॉट, ए से बी जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, आई नॉट करंट जा रहा है, मैं इसको बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, जब ए से बी आई नॉट करंट जा रहा है तो ये क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देखो इस पॉइंट पर मान लो मैंने करंट की डायरेक्शन दो कर दी, ये गया बी सी और ये गया बी डी, बी डी, अब यहाँ पे मान लो करंट गया आई वन और यहाँ पे करंट गया आई टू, अब ये टोटल जो करंट है ना ये टोटल करंट डिवाइड होगा, इसमें कोई एंगल यहाँ पे ना तो कोई एंगल का रोल प्ले करेगा, यहाँ पे ये नहीं कि इनमें एंगल बढ़ गया, एंगल थीटा बढ़ गया इनके ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे क्या करेगा टोटल जो करंट है मेरे पास आई नॉट होगा वो होगा आई वन प्लस का आई टू, यानी दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है, तो हमारे पास दोनों सम हुआ टोटल करंट कितना ही है पहले डिवाइड होने के बाद उतना ही आएगा, मान लो वन एम्पीयर करंट गया, मान लो वन एम्पीयर करंट गया इसके अंदर, यहाँ पे आया 0.5 एम्पीयर और यहाँ पे 0.5 एम्पीयर, तो टोटल करंट कितना है 1 एम्पीयर आया, टोटल करंट हमारे पास कितना हुआ 1 एम्पीयर, ठीक है। और अगर मेरे पास वायर इस प्रकार से मान लो यहाँ से जा रहा है करंट इस प्रकार से आई, तो वायर इस प्रकार से घुमा फिरा के कैसे भी ले लें हम, ठीक है, वायर को, तो उसके अंदर भी हमारे पास करंट क्या रहेगा सेम ही रहेगा, इसमें कोई यहाँ पे वेक्टर एडिशन का रोल नहीं होगा, यहाँ पे स्केलर एडिशन का ही रोल रहेगा, इसलिए करंट को हम क्या मानते हैं एक स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुई होगी बात, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, देखो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी बारे डिस्कस करेंगे, मेरे पास क्या है कोई कंडक्टर है मेटल कंडक्टर, यहाँ पे मान लेते हैं एक मेटल कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है, कोई मेटल कंडक्टर है ये यहाँ पे, ये मेटल कंडक्टर है, ठीक है।
अब इस मेटल कंडक्टर की बात करूं मैं तो इसके अंदर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ए मेटल कंडक्टर कंटेन्स लार्ज नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है जिनके अगर मैं बात करूँ हुज नंबर डेंसिटी 10^29 पर मीटर क्यूब, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर वॉल्यूम, पर वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम के अंदर है मान लो, तो हमारे पास यहाँ पे 10^29 पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉनों की, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, अगर आप रूम टेम्परेचर की बात करें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द रैंडम मोशन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मोशन मूव कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से रैंडमली मूव कर रहे हैं आपस में, ठीक है, और रैंडमली मूव कर रहे हैं तो सीधी सी बात है इसके अंदर भी आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी इनकी, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्डर ऑफ 10^5 मीटर पर सेकंड, तो एवरेज हमारे पास थर्मल स्पीड है इलेक्ट्रॉनों की वो है 10^5 मीटर पर 10^5 मीटर पर सेकंड। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ the direction of motion of these free electrons are so randomly distributed। अब क्या करेंगे, randomly distribute करेंगे, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, आपस में randomly move कर रहे हैं, कोई इसको particular इनकी direction नहीं है। ठीक है, that the average thermal velocity of the electron is zero, तो average thermal velocity क्या होगी, आपस में ये क्या करेंगे collision करेंगे, collision करने के बाद overall जो एक average speed रहेगी वो क्या रहेगी zero हो जाएगी। ठीक है, average thermal velocity की क्या होगी zero, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को कंडक्टर देता हूँ, मैंने कहा बेटा आप लोग एक कंडक्टर ले लीजिए, ठीक है, आप उसको पकड़ लेते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि उनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की जीरो है, अगर मोशन में आ गए इलेक्ट्रॉन और पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी तो आप पकड़ते ही क्या करेंगे झटका महसूस करोगे, क्योंकि उसके अंदर करंट फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूँ, सम पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूंगा, तो क्या करेंगे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, और पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने का मतलब ये होगा इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इफ U1, U2, U3 एंड UN आर द रैंडम थर्मल वेलोसिटी, मान लो मेरे पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन थे तो क्या करें, पहले इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे वेलोसिटी है U1, सेकंड की U2, थर्ड की U3 एंड N की UN। ठीक है, रैंडमली थर्मल वेलोसिटीज है N की इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, N की इलेक्ट्रॉन्स है, देन इन द मेटल कंडक्टर देन द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, तो इनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी बेटा जीरो होगी। ठीक है, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी हमारे पास जीरो होगी इनकी, यहाँ पे दिखाई दी है टोटल एवरेज थर्मल वेलोसिटी का जीरो होती है, ये कर रखते हैं हमने जीरो कर रखी है। अब हम क्या करेंगे U1 U2 U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन UN डिवाइड बाय N एवरेज निकाल लिया हमने सभी की, और ये क्या आ गया आंसर यहाँ पे जीरो आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो क्योंकि हमें आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे का इसमें देखते हैं व्हेन सम पोटेंशियल, अब तक हमने इसके अंदर कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया था, एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं लगाया था, अब हम क्या करते हैं व्हेन सम पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, मेरे पास ये कंडक्टर है इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया यहाँ पे कुछ पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, वी पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, इसके अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेटअप हो गई, जब ई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी तो उसकी डायरेक्शन आप लोगों को पता होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ होती है, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर से नेगेटिव एंड की तरफ इसमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनों की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनों की जो डायरेक्शन है किस साइड में है पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। अब हम यहाँ पे एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन हमारे पास बन गई यहाँ पे, कैसे देखो इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप, जब हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, और इस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन गैप ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन गैप ड्रिफ्टेड टुवर्ड पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ आने लगे, तो हमारे पास वो जो वेलोसिटी है उसी को हम क्या कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गैट ड्रिफ्टेड टुवर्ड पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है तब हमारे पास ड्रिफ्ट हुए हैं इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, और इसी को हम क्या कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय VD, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसकी प्रॉपर डायरेक्शन है फोर्स हमारे पास लगा रखा हमने। ठीक है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑर्डर ऑफ, तो ऑर्डर कितनी होगी इसकी 10^-4 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास आता है इसका डेरिवेशन, तो हम इसका डेरिवेशन करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं, हमने क्या कर दिया अभी इस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई, वी इज पोटेंशियल अप्लाइड हमने भी पोटेंशियल अप्लाई कर दिया ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर लेंथ कंडक्टर जो लेंथ है वो क्या है बेटा
यहाँ पे एल है, लेंथ ऑफ कंडक्टर हमारे पास एल है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो हमारे पास ई आई क्यों क्या है वी बाई एल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हुई है वो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे ई बाई ना वी बाई एल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हुआ है वो क्या होगा वी बाई एल, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। अब हम देखेंगे फोर्स एक्सपीरियंस, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम, अब इलेक्ट्रो फोर्स एक्सपीरियंस कितना होगा इसमें, फोर्स एक्सपीरियंस, फोर्स एक्सपीरियंस क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुई है इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, तो उनके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स एक्सपीरियंस एफ आया वो फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास क्या होगा क्यू ई होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लूंगा यहाँ पे ई ई, क्योंकि ये ई क्या है यहाँ पे ई क्या है ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का चार्ज है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया ई ले लिया, ठीक है तो चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ई ले लिया, ये एफ इक्वल माइनस का ई ई इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सिंबल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए, ठीक है और इसके बाद फोर्स करने के बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। अब एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, जब फोर्स लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर की तरफ देन एक्सीलरेशन प्रोड्यूस, देन एक्सीलरेशन 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 आएगा हमारे पास ए इक्वल टू एक्सीलरेशन का फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास ऑफ फोर्स क्या है माइनस का ई ई बाई एम, तो ए आ गया मेरे पास माइनस का ई ई बाई एम, ई ई बाई एम इसको इक्वेशन नंबर में सेकंड मान लूंगा क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका था मान चुका था, तो ये मेरे पास एक्सीलरेशन आ गया, ठीक है ये एक्सीलरेशन आ गया मेरे पास, क्लियर है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसके इसके अंदर, सो डियर स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे एट एन इंस्टेंट टाइम द वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन हैविंग थर्मल वेलोसिटी यू वन वी बी, जब हमारे पास हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो वेलोसिटी अक्वायर कितनी है, यानी कि हमारे पास वेलोसिटी अक्वायर हुई यू वन, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी उस समय वी वन इज इक्वल टू यू वन प्लस ए टाउ वन, टाउ वन हमारे पास क्या है टाइम इलेप्स लास्ट कोलिजन एटम आयन कंडक्टर, एटम आयन ऑफ द कंडक्टर, एटम आयन ऑफ कंडक्टर जो कोलिजन होते हैं आपस में तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन एटम आयन के आपस में क्या होता है कोलिजन होते हैं, जब ये कोलिजन होंगे तो उस समय हमारे पास कितना टाइम लगा उस टाइम को हम क्या कहेंगे रिलैक्सेशन, उस टाइम को हम टाउ वन कहेंगे। सिमिलरली सेकंड इलेक्ट्रॉन्स के लिए थर्ड के लिए फोर्थ के लिए इस प्रकार से हमारे पास चलेगा, तो वी टू होगा यू टू प्लस ए टाउ टू, वी थ्री इक्वल टू यू थ्री प्लस ए टाउ थ्री एंड सो ऑन, वी एन इक्वल टू यू एन प्लस ए टाउ एन। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब हमें ये पता ही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है तब, ठीक है तो उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या होगा एवरेज थर्मल वेलोसिटी है इन सभी की वी वन वी टू वी थ्री वी एन एंड सो ऑन सभी को जोड़ देंगे तो हमारी क्या आएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, दस वी डी इज इक्वल टू, अब वी डी देखिए वी डी इज इक्वल टू क्या आएगी मेरे पास वी वन प्लस का वी टू प्लस का वी थ्री प्लस का एंड सो ऑन भाई वी एन और डिवाइड बाई एन, ये एवरेज आ जाएगी और इनको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए इनको वी वन वी टू वी थ्री एंड वी एन, अब वी वन की वैल्यू कितनी थी मेरे पास वी वन की जो वैल्यू थी वो थी यू वन प्लस का ए टाउ वन, ये आप लोगों ने पहले देखी होगी, फिर यहाँ पे क्या आएगा ए टाउ वन, यहाँ पे आएगा यू टू प्लस का ए टाउ टू, ठीक है इस प्रकार से ये आएगा मेरे पास प्लस का यू थ्री प्लस का ए टाउ थ्री, ये आ गई और प्लस एंड सो ऑन क्या आएगी यू एन प्लस का ए टाउ एन, तो हमारे पास ये सभी और डिवाइड कर देंगे किससे एन से, अब हमारे पास देखो यू वन यू टू यू थ्री यू एन ये हमारे पास चलेगी तो इनको अलग ले लेते हैं, तो वी टी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी यू वन प्लस का यू टू प्लस का यू थ्री प्लस का एंड सो ऑन और यू एन, और इसको एलसीएम को मैं सभी के अलग अलग कर लूंगा, इसको प्लस का यहाँ पे ए ए ए ए एक्सीलरेशन यहाँ पे अलग है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोग पास देखिए ए को मैंने कॉमन ले लिया टाउ वन प्लस का टाउ टू, यहाँ पे वेक्टर्स जुड़ जाएंगे ठीक है टाउ वन टाउ टू टाउ थ्री और एंड सम टाउ एन, टाउ एन ले लिया और इसके भी नीचे मैंने क्या ले लिया एन ले लिया। अब देखो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब हमें शुरू की थी इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को शुरू किया था तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आई थी इसकी वैल्यू हमने क्या ली थी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जीरो ली थी, इसकी वैल्यू हमारे पास एवरेज थर्मल वेलोसिटी थी, जब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास जीरो आई थी, ये वैल्यू आती थी हमारे पास जीरो। दूसरी बात करेंगे हमारे पास ये टर्म्स है पूरी टर्म्स हमारे पास, इसको हम बोलेंगे टाउ, इसको हम क्या बोल देंगे टाउ, और टाउ कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम, क्या होगा ये
रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आएगा, ठीक है, ये आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ठीक है। अब हमारे पास नेट रिजल्ट आया बीटी का, ट्रिप्टोस्टी का, वो आया यहाँ पे ए टाउ, क्या आ गया यहाँ पे ए टाउ। और हमें एक बात और पता है, जो पीछे हमने देखा, जब हम थोड़ा सा आगे चले थे वीडियो के, तो हमने वहां पे देखा था ए की वैल्यू, हमारे पास ए की वैल्यू हमने क्या ली थी, ए की वैल्यू ली थी हमने माइनस का ई ई और डिवाइड बाई एम और इंटू में टाउ, ठीक है, ये हमारे पास आई थी वैल्यू। तो हम देखेंगे यहाँ पे, तो वी टी हमारे पास है क्रिप्टोस्टिक माइनस का ई ई और डिवाइड बाई एम इंटू में टाउ, तो ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ रहेगा जो हमारे पास, तो ई ई टाउ बाई एम, यह आ गया मेरे पास नेट रिजल्ट ऑफ डिफ्लोस्टिक, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एवरेज डिप स्पीड, ये तो डिफ्लोस्टिक की बात थी, अब एवरेज डिप स्पीड, सो एवरेज डिप स्पीड, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास आएगी वी टी, यानी मैग्नीट्यूड में ले लेंगे हम इसको, माइनस का हम प्लस ले लेंगे ई ई बाई एम इंटू में टाउ, ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। अब अगर और देखें हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है यहाँ पे, इसी के अंदर आ जाएगा, बस ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ तक, नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट करता है, जो नेगेटिव साइन था वो इंडिकेट क्या कर रहा था, यहाँ पे नेगेटिव साइन था वो इंडिकेट कर रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो वीटी, वीटी की डायरेक्शन आप लोगों के पास इधर है, वीटी की डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप लोगों के पास इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट जो स्पीड होगी वो आपकी ड्रिफ्ट स्पीड होगी, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ आया होगा, और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से बेटा इस इंजॉय करेंगे इस लेक्चर को, और इस चैनल को बेटा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आप लोगों को अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो अपने साथियों तक शेयर जरूर करें, धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को ही फिनिश करता हूँ, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।